नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कैंट में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सेना के वीर जवानों और वीर नारियों को किया सम्मानित। होशियारपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्टेशन में मची अफरा तफरी। जालंधर के पीएपी प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। आईपीएस एडीजीपी एमएफ फरूकी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जालंधर कैंट में वज्र कौर का दौरा किया। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वज्र कौर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति वज्र कौर की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए दिग्गजों के अपार योगदान और बहादुर वीरों के बलिदान पर प्रकाश डाला। जिसके उपरांत राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने तीनों सेनाओं के कुल 23 दिग्गजों और वीर नारियों को सम्मानित किया, जिनमें से कई ने 1971 के युद्ध श्रीलंका में ऑपरेशन पवन और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक में सक्रिय रूप से भाग लिया था। समारोह में वयोवृद्ध ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर हरचरण सिंह और कर्नल बलवीर सिंह सहित 6 वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठतम वयोवृद्ध लेफ्टिनेंट जनरल एसएस सांगरा और पूर्व सेना कमांडर पश्चिम कमान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने भारतीय सेना के व्यावसायिकता और लोकाचार को पूरक बताया और राष्ट्र निर्माण के लिए रक्षा बलों के अमूल्य योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को उनकी भलाई, सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के प्रति सरकार और राष्ट्र की प्रतिबद्धता का भी आश्वासन दिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज के दिन हमारे बीच पंजाब के महामहिम राज्यपाल हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को का हौसला अफजाई करने के लिए। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित वीरता पुरस्कार विजेता वीरांगनाएं और भूतपूर्व सैनिकों को मैं वज्र कौर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पंजाब की इस पावन भूमि में ऐसी खासियत है कि इसकी कोख से हमेशा ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने भारतीय सेना की आन बान और शान में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। आज हम मंच पर पंजाब की इसी मिट्टी से जुड़े हुए हमारे वीर सैनिकों, वीर नारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष पर सम्मान देते हेतु एकत्रित हुए हैं। इन वीर योद्धाओं के द्वारा किए गए महान कार्यों से सभी देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हर सैनिक देश की शान में अपनी जान की परवाह न करते हुए हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहा है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा साहब का निमंत्रण पर मैं आया। कार्यक्रम के बारे में कहूं, बहुत कार्यक्रम हम अटेंड करते हैं, परंतु आज का जो कार्यक्रम अभी अटेंड किया हमने, बहुत ही डिग्निफाइड एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। डिग्निफाइड एक तो आयोजन कह सकते हैं, आर्मी तो ऑलवेज डिसिप्लिन तो मैक्सिमम है, अटमोस्ट डिसिप्लिन है आर्मी में, इसलिए डिग्निफाइड होना ही है। परंतु यह कार्यक्रम अपने में अलग ही है।
उन वीरांगनाओं का जो अपना सर्वस्व खो चुकी हैं, जो कि वार में फ्रंट पर लड़ते हुए देश की रक्षा करते हुए उनके हस्बैंड चले गए, बड़ी हिम्मत के साथ बहादुरी के साथ अपने पैर पर खड़ा करके अपने परिवार को संभाल के समाज में इतना सम्मानित स्थान अर्जित किया है। संघर्ष की कल्पना करिए, ऐसी वीरांगनाओं का सत्कार करके हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का, इनका हमारे ऊपर, समाज के ऊपर बहुत ऋण है और हमको आदर्श भारत बनाना है तो कैसे बनेगा? हमेशा उनका सेक्रीफाइस याद रखता हूँ। बहुत महंगी आज़ादी मिली और सही में जो चाहिए था, यदि हमारे मन में प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है कि हम जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया, इतना त्याग किया, स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी बर्फ की सिल्लियों पर लेटे हैं, बरसों बरसों जेल में गए हैं, क्या हम उनके सपने का भारत बना पाए? प्रश्न उठता है। हमको उत्तर मिलेगा कि उनके सपने का तो अभी तक बनाने में बहुत समय लग रहा है। होशियारपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में अचानक आग लगने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्टेशन के एसआईटी ने बताया कि रोज की तरह होशियारपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कि अचानक ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद तुरंत वहां पर अधिकारियों ने इसकी सूचना सीनियर अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। रेलवे अधिकारियों द्वारा आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस आगजनी में जानी नुकसान होने से बच गया। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों द्वारा इस घटना की गहनता से जांच की जा रही है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। ये हमें मैसेज मिला था कि स्मोकिंग हुई है, जैसे 18:50 पे स्मोकिंग हुई है। मेरे को फ़ोन आया था 19:05 पे, मैं गांव से आया हूँ और 19:25 में पहुँच गया था। मेरे आते ही पीएपी प्रशिक्षण केंद्र जालंधर छावनी में ईश्वर सिंह आईपीएस एडीजीपी एचआरडी के निर्देशों के तहत मनदीप सिंह पीपीएस कमांडेंट ट्रेनिंग की देखरेख में बेंच संख्या 176 के भर्ती सिपाहियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें सशस्त्र संवर्ग की विभिन्न बटालियन इकाइयों के कुल 114 भर्ती सैनिक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पास आउट हुए। इन युवाओं को बेसिक प्रशिक्षण के दौरान आउटडोर और इंडोर विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एमएफ फरूकी, आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सशस्त्र पुलिस जालंधर छावनी ने सलामी ली और भव्य पासिंग आउट परेड में परेड का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण पास करने पर बधाई भी दी और उन्हें अच्छे पुलिस अधिकारी बनने और कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से समाज की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एमएफ फरूकी ने प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को विशेष तौर पर सम्मानित भी किया। पासिंग आउट परेड के बाद पुलिस डीएवी स्कूल के बच्चों द्वारा बैंड प्रदर्शन और भांगड़ा शो प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आईपीएस डीआईजी इंद्रबीर सिंह, आईजी एसके कालिया, तुलसीराम आईपीएस डीआईजी सहित विभिन्न बटालियनों के कमांडो जीओ और सभी कर्मचारी और जवानों के पारिवारिक सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी शानदार मेहनत के बाद हुई है। हमारे कमांडेंट साहब ने हमारे जो स्टाफ है उसकी मेहनत के सदका आज 176 बैच के 114 ट्रेनी जो हैं वो पुलिस को समर्पित हुए हैं और एक पुलिस ऑफिसर बने हैं। इनको हमने
पुलिस ऑफिसर भी बनना सिखाया है, इनको हमने इंसान बनना भी सिखाया है, इनको हमने ज़िंदगी जीना भी सिखाया है, इनको हमने ज़िंदगी जीने देना भी सिखाया है। तो ये हमें उम्मीद है कि ये सारे बच्चे इस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद समाज की सेवा में समर्पित रहेंगे और एक बेहतर समाज बनाने में सहयोग करेंगे। देखिए, अब ये ट्रेनिंग के बाद एग्जैक्टली तो मैं इसको नहीं बता सकता कि किस डेट में ऐसा होगा कि जो भी अभी अब ट्रेनीज़ आएंगे और उनके बाद उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल ख़त्म होने के बाद ये फैसले बाद में किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको हम ट्रेन करके तैयार करके सभी को हम ड्यूटी के लिए समर्पित करें। जालंधर में बीती 28 अगस्त को बीएमसी चौक में पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह की प्रतिमा पर खालिस्तान के स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही थी। इस कार्यवाही के तहत पुलिस ने दो लोगों को अमृतसर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी जसकरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान रमन उर्फ सोनू व सैम निवासी अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस ने पकड़े गए उक्त आरोपियों से 5 मोबाइल, 11 खालिस्तानी झंडे व 2 स्प्रे बोतल भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस घटना में इनका तीसरा साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 28/8/2022 थाना बारादरी कमिश्नर जालंधर के एरिया बीएमसी चौंक के एक्स सीएम शहीद साहब बेअंत सिंह जी की जी प्रतिमा के उत्ते जरा कुछ शरारती अंसर वालों जो स्लोगन लिखे गए थे, जिदा एक बड़ा पैनिक भी सी, बड़ा एक मैसेज भी सी। उस साड़ी जी कमिश्नर की टीम जी ACP परमजीत सिंह होर सुपरविजन के साथ इंचार्ज CIA इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह, काउंटर इंटैलीजेंस तो साढ़े DSP जोड़े हैं भजन जी, तो उन्होंने जो सब इंस्पैक्टर दविंदर है, साड़ी कंबाइंड एक टीम ने बड़े एफर्ट्स करके मेहनत करके जोड़े ये दोषियों जरा गिरफ़्तार किया। तो जेडे उन्होंने वेद जरा स्प्रे की या उन्होंने जेडे उन्होंने को पोस्टर से बैनर से तो होर सारा जोड़ा समान है वो रिकवर किया। जालंधर के सिविल अस्पताल में सांसद संतोख सिंह चौधरी ने निरीक्षण हेतु दौरा किया। इस दौरान सांसद चौधरी ने कहा कि स्टाफ की कमी तो पिछले काफी समय से चल रही है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और क्लास 4 की कमी को सरकार जल्द पूरा करे। शहर में बढ़ रही डेंगू बीमारी को लेकर चौधरी की ओर से सिविल अस्पताल का डेंगू वार्ड चेक किया गया, जिस दौरान वह मरीजों से भी रूबरू हुए। इस दौरान संतोख सिंह चौधरी ने कहा कि इस बार जो नई सरकार आई है, उनके आने के बाद सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चौधरी ने यह भी कहा कि पहले भी वह स्टाफ संबंधी आवाज उठाते रहे हैं और अब भी सरकार को इसके बारे में अवगत करवाएंगे और उनको स्टाफ पूरा करने के लिए लेटर भी लिखेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। स्टाफ दी इस हॉस्पिटल च लंबे समय तो कमी है, नर्सिंग स्टाफ दी भी बहुत कमी है, क्लास 4 दी भी कमी है, सारी है। वो असी समय समय सर वो इशू नू उठाते रहे हैं। हुण भी असी सरकार नू कहांगे कि फौरी तौर पर हाले तक भी कोई होया नहीं, हल नहीं होया, हर बार तुसीं आंदे विश्वासन दे जांदे हो, ये इस बारे हुण सरकार मेरा काम तो सरकार नू पहुँच करना होंदा। मैं हर बारी सरकार नू पहुँच करना भी जिहड़ा बैकलॉग है, जिहड़ियां कमियां उन्हां नू पूरियां करो। हुण मैं फिर इन्हां को जानकारी लई है, हुण मैं फिर लिखांगा मौजूदा सरकार नू भी जिहड़ा स्टाफ है उस नू पूरा करो। मसीह महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मिलने अमृतसर में पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल और जत्थेदार के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत होने के बाद मसीह महासभा के पदाधिकारी बिशप PK सामंता राव, एग्नेलो ग्रेशियस व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। सामंता राव ने कहा कि ऐसे लोग जो खुद को ईसाई धर्म के अनुयायी कहते हैं और अंधविश्वास से लोगों को भ्रमित करते हैं, ईसाई धर्म उन्हें मान्यता नहीं देता।
गौरतलब रहे कि हाल ही में जंडियाला के डडुआना गांव में निहंग सिंगों द्वारा एक ईसाई कार्यक्रम को रोका गया था, जिसके बाद कानूनी कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि जत्थेदार साहिब से बात कर यह निर्णय लिया गया है कि जो लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं, मसीह महासभा उन्हें बुलाएगी और उचित कार्यवाही की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि बातचीत के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोनों धर्मों द्वारा 10 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठक प्रत्येक 2-3 माह में होगी और उसमें धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने वाले ऐसे लोगों पर चर्चा की जाएगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वो कुछ सिख जो धर्म के सेंटिमेंट्स हैं को हर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे काम हो रहा है जिसकी वजह से आज पंजाब में एक खतरा पैदा हो गया है। कम्युनिटी के को डिवाइड करने की बात हो रही है, तो उसके बारे में बात हुई। उन्होंने कुछ प्रूफ के हिसाब से हमें हमारे सामने पेश किया, जिसको हमने देखा और हमने एज ऑन बिहाफ ऑफ द मेनलैंड चर्चेस जो कि रोमांगत्रिक चर्च, सीएनआई, सेलिब्रेशन आर्मी, मेथडिस्ट चर्च है और सेवन एडवेंटिस्ट है, तो उनके तरफ से ये जरूर हमने कहा कि वी आर वेरी सॉरी कि ये तो नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे काम करता है, कोई भी, वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं तो कहूँगा कि वो इंसान भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी धर्म का व्यक्ति और किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार उसको कौन दिया है? तो इसमें आपका सिर्फ अपमान नहीं हो रहा, हमारा अपना भी अपमान हो रहा है। साहब दे नाल जो मीटिंग कीती गई उहदे विचों सानू कई चीज़ों का पता लग्या कि जिते किते सानू अपने लोगों नू ठीक करना, उन्होंने नत्त बाकर रखना, ये सानू भी समझाया गया। उहदे मुताबिक असी भी फैसला किया कि जिस तरह सिख कौम का या किसी कौम का खिलाफ किसी ईसाई हुण तक असी अगे दसन वाले उन्होंने उत्ते कार्रवाई करन दा फैसला इस वेले लिया गया। उस दे लई हुण सारे मिलकर सिख धर्म के ईसाई धर्म के विच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के वक्त वक्त समय के उत्ते हर 2-3 महीने तो बाद अनलैस एमरजेंसी होवे उन्हां दा बैठक हो जाएंगे, तो हर चीज़ का वक्त वक्त समय के उत्ते स्टडी करके रिजल्ट भी या फैसला भी दिते जाए। शिरोमणी अकाली दल के सर्कल अध्यक्ष हरभजन सिंह ने नगर निगम अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में उनकी निजी जमीन पर दीवार गिराने का आरोप लगाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि सन 1988 में संत बाबा गुरदयाल सिंह भूरी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी कृषि योग्य निजी भूमि से गुरुद्वारा बाबा मंज साहिब जाने के लिए 25 फीट के रास्ते पर सड़क बनाने की अनुमति दी थी, जिसका नगर निगम से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके घर के ठीक सामने एक रेलवे लाइन है जहां कभी कभी नशे के आदि लोग आकर बैठ जाते हैं, जिस कारण उन्होंने सड़क के एक तरफ दीवार बना ली थी ताकि नशा करने वालों का रास्ता बंद किया जा सके। लेकिन जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने सियासी दबाव में जबरदस्ती दीवार गिरा दी। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों द्वारा दीवार गिराए जाने से पहले उन्हें दस्तावेज दिखाने का भी मौका नहीं दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप सरकार द्वारा जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि जबरन दीवार गिराने वाले निगम अधिकारियों के खिलाफ वह माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं जब इस संबंध में जब नगर निगम के ATP वजीर राज से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इस संबंधी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं कोट मिसिंग विकास के सुधार सोसायटी का प्रधान भी हाँ। 1988 के जी सड़क आ अं अपनी जमीन के मालकी के जिन्हें जिन्हों की मालकी नाल लगती ही उन्होंने सारे ने 25 फुट जी सड़क है बाबा गुरदयाल सिंह भूरी वाले जोड़े सरगर्सी आना वेले उन्होंने सौंपी ही दान वजो तो तुम सड़क बना लो, क्योंकि गुरद्वारा भाई मान साहब न जाने वाला रस्ता छोटा सी जोड़ा कि कोटमल सिंह 3 नंबर बाजार से पहलो जिद गड्डिया नहीं सी लंघदिया। उन्होंने बेनती के उत्ते अं सारी संगत ने प्रवान किया भी ये सड़क बना दो बाबा जी, कोई सानू कोई इतराज नहीं, ये सड़क बन गई। उस वेले तो मेरी मालकी पहलों कच्चा रस्ता सी,
फिर अं मैं क्योंकि 2006 दे विच प्रधान बनिया कोट मेल सिंह विकास ते सुधार सोसाइटी का। उस वेले सरदार अजय वीरपाल सिंह रंधावा इतों कौंसलर सी, ते मैं प्रधान सां। अं कोशिश करके यही सड़क नूं पक्कियां कराया। इहदे नाल नाल वाट सीवर दा ते वाटर सप्लाई दा काम ही आप शुरू कराया, पर भले दी गल करन दे बावजूद साडे नाल गल धक्का हो गया। नहीं दे, नहीं देना जी इहदा बयान फिर। नहीं नहीं सर। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं जाता कुछ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें युवा व बाल गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विन्नी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालन बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं तैनू बुलावा मेरी अम्मे, मैं तैनू बुलावा मेरी अम्मे, मैं तैनू बुलावा। फुल सुक गए ने, हंजू मुक गए ने, फुल सुक गए जो मुख गए ने, किवे हाल मैं अपना सुनावा मेरी अम्मे, मैं तैनू बुलावा बुलावा मेरी अम्मे, मैं तैनू बुलावा। तू भाग्य बनाने वाली आस्था श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले के उपलक्ष्य में श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट और चड्डा बिरादरी की ओर से 9 सितंबर को सुबह 9 बजे होने वाले हवन यज्ञ को लेकर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग और शहरवासियों को आमंत्रित करने हेतु चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान व पार्षद विपिन चड्डा बब्बी, महासचिव संजय चड्डा, कोषाध्यक्ष अनिल चड्डा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, रमन शर्मा, अतुल चड्डा व योगेश धीर ने बाबा जी के भक्तों को निमंत्रण पत्र देने का कार्य जारी रखते हुए पहला निमंत्रण श्री सिद्ध बाबा सोडल जी को भेंट दिया, जिसके बाद उन्होंने विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व मंत्री अवतार हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, उद्योगपति नरेंद्र विज, वेद कुमार शर्मा को निमंत्रण पत्र भेंट किया। इस अवसर पर चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान व पार्षद विपिन चड्डा बब्बी ने बताया कि मेले को लेकर पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए हैं और अधिकारियों ने मेले से पहले बैठक कर विभागों की ड्यूटियां लगा दी हैं, जिसके लिए वह सभी के आभारी हैं। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रधान साहब बब्बी जी ने उन्होंने साथियों लख लख बधाई हो। हरेक साल की तरह बाबा जी के दरबार में लखा श्रद्धालु आ के आपका शीस मनाते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਸੋਢਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 7 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 9 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਬਰਾਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੋਜ ਨੰਨਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਖੇਡਿਆ। ਤੋ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੋਲਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੰਗਲੀ ਜੀ ਔਰ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੂ ਲੂਥਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ, ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਵਾਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਮਲਾ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਬੱਬੇ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਨੋਜ ਨੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਨਿਲ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੁਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਗ ਬਸੇ, ਐਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਚੱਡਾ ਬਰਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ। ਲੱਖੋਂ ਲੋਕੋ ਕੀ ਆਸਥਾ ਕਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੇਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਮੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮੇਲੇ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, DCP ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,
IPS अंकुर गुप्ता, ADCP जगजीत सिंह सरोआ, ACP नॉर्थ मोहित सिंगला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर की परिक्रमा कर मेले की तैयारियों का जहां जायजा लिया, वहीं मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा सहित सभी उचित प्रबंधों का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर चड्डा बिरादरी के प्रधान बिपिन चड्डा बब्बी, अतुल चड्डा, रमन शर्मा और राजन शारदा ने आए हुए सभी उच्चाधिकारियों को सम्मानित भी किया। मात्रा के प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के रेगुलेशन के फैसिलिटेशन के और बाकी जो सेवावान पुलिस वालों मुहैया कराई जा रही हैं उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। अज इतने प्रबंधक साहबान को इस करके आए हैं ताकि प्रबंधा की समीक्षा की जा सके, जायजा लिया जा सके और जिसे कि कोई कमियां उठाइया ने उन्होंने पूरिया किया जाए। साड़ी कोशिश ये होगी कि जोड़े श्रद्धालु आस्था नाल इतने मत्था टेकने वास्ते पहुँच रहे हैं उन्होंने मत्था टेकने किसी किस्म की कोई समस्या ना हो और क्रिमिनल एलीमेंट्स वालों किसी किस्म की कोई वारदात भी ना की जाए। पुलिस ड्यूटी इन दोनों कंसीडरेशन मद्देनजर रख के ऑर्गेनाइज की जा रही है। सर 24 घंटे का मेला है, लखा श्रद्धालुओं ने किन्ने के मुलाजम लगाए गए हैं? असी इस 3 शिफ्टां वंडिया है और हर शिफ्ट के असी सीनियर पुलिस अधिकारी DCP लैवल के उन्होंने जिम्मेवारी दी हुई है और इन शिफ्टों के एडिक्युएट नंबर के असी जवान तैनात किए गए हैं। पार्किंग्स से वक्री ड्यूटी है, ट्रैफिक की वक्री ड्यूटी है, अंदर लाइना के रेगुलेशन की वक्री ड्यूटी है, पिस्टन की वक्री ड्यूटी है, वक् कंट्रोल रूम से भी ड्यूटी हैगी है और असी पुलिस हेल्प काउंटर्स भी लाए हुए हैं, एलिवेटेड ऑब्जरवेशन पोस्ट भी लाइया हुई ने, तो हर तरह की सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और असी यह भी हम मैं डिस्कस किया इन्हों का कि जे कि कोई बच्चे या परिवार के मैंबर एक दूजे पर विछड़ जाते हैं जिले के उन्होंने एक दूजे को बुलाने वास्ते किस किस्म के इंतजाम किए जाने चाहिए है उन्होंने मोडैलिटीज़ असी वर्कआउट की है और असी कोशिश करांगे कि इस किस्म की जो एकदम घबराहट हो जाती है जब कोई परिवार का मैंबर विछड़ जाता है वो ना हो। साडा वैसे तो स्टैंडर्ड हेल्पलाइन 112 एमरजेंसी वाला हैगा ही हैगा, इस तो अलावा होर भी हेल्पलाइन नंबर हैगे ने, बाकी जो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर हैगे वो हैगे हैं जो असी बोर्डिंग डिस्प्ले किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश विज और पार्षद रीटा शर्मा ने परिवार सहित बाबा जी के समक्ष माथा टेका और पारिवारिक सुख की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय माता दी, जय बाबा सोडल जी। 9 तारीख को बाबा सोडल जी का बड़ा धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है। जालंधर वासियों को, पंजाब वासियों को लख लख बधाई हो। बाबा जी की कृपा के नाल ही जी इन्नी कृपा भी जलंधर के 15-20 दिन मेला चलता रहता और बड़ी रौनक लगती है। लोग इतने दुध पुत मंगने आते हैं और उन्होंने मुरादा पूरिया होती हैं, सारे परिवार समेत आओ और इतने फटाफट ही मुरादा पूरिया होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, खासकर CP पुलिस ने जगह जगह से इलाके पुलिस लगी, किसी तरह की कोई किसी को परेशानी नहीं आई, ना ट्रैफिक की ना किसी की बेधड़क होकर अपने परिवार समेत आओ और इतने साढ़े आदरणीय ठाकरे साहब ने कार सेवा के चेयरमैन ने साढ़े जोगिंद्रपाल शर्मा जी और प्रभाकर साहब होर चौहान साहब सहगल साहब साढ़े आदरणीय चमन लाल शर्मा जी जोड़े साढ़े महाप्रभु है और पीशव पदामा है 92 साल उम्र हो गई और 92 साल के मेरे ख्याल तकरीबन 50-55 साल इन्हें बाबा जी की सेवा की। बाबा जी की मुकदरों के आशीर्वाद के नाल इन्हें सेहत बख्शी गई है। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों सारे लख लख बधाई देना। जय बाबा जी। बाबा सोडल जी का बहुत शादी दरबार की है, बाबा सोडल जी का मेला बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है और हर साल की तरह बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। बहुत ही फंक्शन आ रहे हैं, देखते हुए बहुत रश है। इस रश को देखते हुए साड़ी आम आदमी पार्टी वालों साड़ी ड्यूटी लगी सी, मैडम राजविंदर कौर जी ने जी इस घर की ड्यूटी लगाई थी, तुम पानी की सेवा करो, उन्होंने असं पानी की सेवा जी है वो कर रहे हैं। जालंधर के शेखा बाजार स्थित श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर में विधायक रमन अरोड़ा की अध्यक्षता में भव्य साप्ताहिक चौकी का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ किया गया। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से मनमोहक भजन
पेश कर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मंदिर के प्रधान एवं विधायक रमन अरोड़ा ने आए हुए गणमान्यों को मां की चुनरी पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर राजू मदान, गुलशन चांदना, नरेश कुंद्रा, राजेंद्र शर्मा, राकेश जसूजा, संदीप जैन, सुरेश अरोड़ा, अमित गुंबर, आंचल गुंबर, राकेश चड्डा, शंकी हरजाई, अशोक जसूजा, राजन अरोड़ा, गौरव मदान, मोनू चड्डा, हितेश चड्डा, सतपाल गुंबर, नन्नू अरोड़ा, प्रवेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र बाबा, राजन अरोड़ा, रमेश अरोड़ा, दीपक भल्ला, राजकुमार चोपड़ा, हैप्पी, शैली खन्ना, सोनू खन्ना, अरुण वर्मा, राजकुमार, लखन अरोड़ा, महेंद्र पाल वधवा, ध्रुव कश्यप, विशाल गोत्रा और दर्शन लाल उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। कुसुम लता गत दिवस अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लता की आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म क्रिया श्री गीता मंदिर आदर्श नगर में संपन्न हुई, जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कुसुम लता की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर भाजपा नेता महेंद्र भगत, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष रमेश वर्मा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजीव लूथरा, राजन चौहान, दिनेश कुमार, पुनीत कुमार, रोहित कुमार, सुरेंद्र पाल धुन्ना, विनित धीर, राजीव ढिंगरा,
सौरभ सेठ, कांत करीर, हरी कृष्ण बाली, राजन अरोड़ा, रमेश महाजन, नीता बहल, राकेश भोला, छज्जू राम जलोटा, सोनू जलोटा, प्रदीप जुलका, राजेश अग्रवाल, लाभ सिंह, राजेश अरोड़ा, अलोक नागपाल, अरुण अरोड़ा, अतुल नागपाल, रामपाल शर्मा, संजय कुमार, मनोज वडेरा, भगत मनोहर लाल, सतपाल पप्पू, मास्टर मुनीलाल, नविंदर शर्मा नागपाल, अमरजीत कोहली, दविंदर खेड़ा, रमेश शर्मा, राजकुमार भगत, पवन कश्यप और एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी चोपड़ा टाउनशिप, वेलफेयर सोसाइटी श्री गीता मंदिर चैरिटेबल सोसाइटी, स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स स्वामी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सदस्यों सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने दिवंगत कुसुम लता को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। भगवान की भगवान थी मेरी माँ, मेरी भोली बाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी, माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी। माँ समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी, माँ समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी, माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी। मेरी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी बगिया की फुलवारी थी मेरी माँ, किस्मत की कहानी थी मेरी माँ। बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा श्रवण करना। कुल का दीपक तूने जलाया है, जो बच्चे को जन्म देते हैं कुल का दीपक, हमारे बीच संजीव भाई गोल्डी जो बहुत इन्होंने जो है बड़े हर तरफ से माँ की सेवा की। काफ़ी समय से माँ बीमार चल रही थी, पर जितना भी उनसे हुआ उन्होंने जो है हर तरह से है माँ की सेवा की। कुल का दीपक तूने जलाया, पति संग बेटे का मान बढ़ाया, पति संग बेटे का मान बढ़ाया। अतिथि देवो भव तूने सिखाया, यानी वो संस्कार वो माँ ने हमें दिए। अतिथि देवो भव तूने सिखाया, मेरी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ किस्मत की कहानी थी मेरी माँ। भगवान की भगवान थी मेरी माँ, भगवान की भगवान थी मेरी माँ, मेरी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। जेड़ा शेह जांदा है ये माता जी के स्वभाव और श्री गोल्ड जी, उन्होंने भाई जी, उन्होंने बेटियां, उन्होंने दिमाग सारे मिलनसार और हाथ जोड़ के सब का आद सत्कार करने वाले परिवार के विचों एक ने। और असी बहुत भाग्यशाली हाँ कि सानू इहोजे रिश्तेदार मिले जेड़ा कि साड़ा भी जीवन इन्हां दे नाल लग के सफल हो गया। मैं अपने अखल भारतीय संघ वालों कैशियर होने के नाते और मैड सुरंकर पंजाब का चेयरमैन होने के नाते मैं श्रद्धा के सुमन पीठ करना। पंडित जी बड़े विस्तार से सानू जिंदगी और मौत बारे दसदे सन कि जो भी इंसान दुनिया से आता है अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाना है, ऐसे भी चले जाना है, पर किसी किसी वेले एक ऐसा इंसान जिसने ये होर लंबा समा जीना होता है, जीना चाहिए है, समाज ले भी और परिवार ले भी
जो अचानक विछड़ता है परिवार ने और समाज ने कह बन के वापरता है। जिवें दस्या जा रहा है कि भैन जी और खास करके मैं इस धुना परिवार को बहुत लंबे समय तो जानता हाँ और लंबे समय तो उनका नाल संबंध है। श्रीमती रीटा सब्रवाल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म क्रिया श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने स्वर्गीय श्रीमती रीटा सब्रवाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना कर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए। इस मौके पर पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, श्रीमती जसपाल कौर भाटिया, सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, बलराज ठाकुर और पारिवारिक सदस्य शक्ति सब्रवाल, राजू सब्रवाल, रिया सब्रवाल, गौरव सब्रवाल, निधि सब्रवाल, रचना सेवक, प्रमोद, आशमन, उदय, आर्यन, गौरी, अर्जुन, शगुन, सोफत परिवार, चड्डा, थापर और सदाना परिवार सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती रीटा सब्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कैंट में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सेना के वीर जवानों और वीर नारियों को किया सम्मानित। होशियारपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्टेशन में मची अफरा तफरी। जालंधर के पीएपी प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। आईपीएस एडीजीपी एमएफ फरूकी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। We'll be right back.